शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल मुंबई पुलिस ने बड़ी मात्रा में ड्रग्स की खेप जब्त किए जाने का खुलासा किया है, जिसके बाद से शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत सत्तारूढ़ महायुति सरकार पर हमलावर हैं। राउत ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर राज्य में मादक पदार्थ माफिया को बचाने का आरोप लगाया। संजय राउत ने फडणवीस विपक्ष के बारे में सब कुछ जानते हैं, वह मादक पदार्थ माफिया के बारे में कैसे नहीं जानते, वह माफिया और उन लोगों को बचा रहे हैं जो हफ्ता ले रहे हैं। राउत ने 300 करोड़ रुपए मूल्य की मैफो ड्रोन जब्त किए जाने के मामले के मुख्य आरोपी ललित पाटिल को महज एक मोहरा बताते हुए कहा, वास्तव में मादक पदार्थ माफियाओं के दोस्त विधानसभा में बैठे हैं। यह महाराष्ट्र की दुर्दशा है कि हमारे पास ऐसा गृह मंत्री फडणवीस है। राउत ने ये भी आरोप लगाया कि विधायक और मंत्री हफ्ता लेते हैं। उन्होंने कहा, एक विधायक ड्रग माफियाओं से 16 लाख रुपए हफ्ता लेता है और ऐसे 6 विधायक हैं। आपको बता दें कि ललित पाटिल की गिरफ्तारी के बाद राज्य में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। एक्स रिपोर्ट, मुंबई महानगर।